विदिशा शहर में दुर्गानगर रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित व्यस्ततम दुर्गानगर चौराहा पर दो दिन पहले ही खुली शराब की दुकान अब आक्रोश का कारण बन गई है। रविवार सुबह दुकान के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोगों ने दुकान को हटाने के लिए धरना दिया और प्रदर्शन किया। महिलाओं में दुकान को लेकर इतना अधिक आक्रोश था कि वो शराब दुकान की शटर गिराकर दुकान के सामने ही धरने पर बैठ गई। लोगों का कहना है कि यह दुकान पहले शेरपुरा मछली मार्केट में थी और अब इसे शहर के व्यस्ततम दुर्गानगर चौराहा पर शिफ्ट कर दिया गया है। रविवार सुबह रहवासियों ने दुकान के सामने रेलवे स्टेशन मार्ग पर धरना शुरू कर दिया। धरने में क्षेत्र के चिकित्सक, इंजीनियर, व्यापारी व अन्य संभ्रांत परिवार के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। राजनीति नहीं, आपको मैं रेखा दुबे, हम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि यहाँ पर शराब की दुकान इसमें खोली जा रही है। ये एरिया यहाँ पे जैन कॉलेज है, जैन कॉलेज का रास्ता है, साकेत है, आई कॉलेज है, वहाँ गर्ल्स कॉलेज है और ये पूरा एरिया ये चौराहा है। यहाँ अगर शराब पी के लोग बाहर घूमेंगे तो महिलाएं छेड़ी जाएंगी, बच्चे शराब के आदि होंगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में पैसे है शराब की दुकान से निकलेंगे, कहाँ तक नहीं अटैक होंगे। जहाँ दूध की दुकानें खोली जाती थी जिस देश में, उस देश में जहाँ चौराहे पे शराब की दुकानें खोली जा रही है, ये क्या तरीका है? ये हमारी आधुनिकता की निशानी है क्या? ये इस तरह के से हम आधुनिक हो रहे हैं? नशा मुक्त प्रदेश चाहिए, नशा मुक्ति के इतने भाषण दिए जाते हैं फिर हर गली चौराहे में ये शराब की दुकानें क्यों खोली जाती हैं भाई? हमारे यहाँ कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ पर जो शराब पीता है हमको देखिए। मेरा नाम मैं श्रीमती भावना अविनाश सनेहा, पार्षद वार्ड क्रमांक 27 से। ये नई शराब की दुकान खोली गई है, मैं इसको तत्काल बंद करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं महिलाओं के साथ यहाँ धरने पर बैठी हूँ। यहाँ रेलवे स्टेशन पास में यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। 2 तारीख से नव दुर्गा चालू होने वाली है, सब महिलाएं और बच्चे दुर्गा नगर मंदिर पे जल चढ़ाने जाते हैं, तो यहाँ सबको अव्यवस्था होगी, महिलाओं को, बच्चों को, आम नागरिक को, जिनका भी आना जाना है, यात्रियों को, सबको परेशानी होगी। यहाँ आए दिन घटनाएँ होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तत्काल इस दुकान को बंद करवाया जाए। नीरज वाल्मीकि, शराब की दुकान नहीं खुल रही है, कई लोग विरोध कर रहे हैं, आप यहाँ शराब लेने आए सर? वहाँ पे तो वो कितने आदमी मरते थे, वहाँ पे पटली के उस पार पे मच्छी मार के पास आती थी, बहुत बुरी बुरी जो तो पास है बड़ी है, इस पर तो पुल पे से आना पड़ती, वहाँ तो पटली पार करके जाना पड़ती थी, वहाँ पर कुछ दुर्घटना वगैरह और का कुत्ती दुर्घटना हो गई वहाँ पे, आदमी कितने मारा तो कितना। यहाँ पर एक शराब की दुकान अभी अभी खुली है, यहाँ के रहवासियों का इस दुकान के विरोध में ये एक धरना उन्होंने बनाया था यहाँ पर सुबह आज, कि रहवासी क्षेत्र होने से और रेजिडेंशियल क्षेत्र होने से इस दुकान को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उन लोगों की कलेक्टर साहब से बात भी करवाई गई है, कलेक्टर साहब इसका जो ज्ञापन आया है इस ज्ञापन पर भी विचार करके निराकरण करेंगे, इस बात का, इनकी समस्या का जो भी निराकरण होगा कलेक्टर साहब के द्वारा किया जाएगा।